नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है होल गेज। हेडिंग लिख लीजिए, होल गेज। होल गेज क्या होता है? ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है और जहां पर हमें आंतरिक व्यास मेजरमेंट करना होता है वहां पर हम होल गेज का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें लिख लीजिए, ये क्या होता है, इसे स्मॉल होल गेज तथा हेमी स्फेरिकल गेज के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हेमिस्फेरिकल गेज या स्मॉल होल गेज या आप कहें होल गेज, बात एक ही है। इंस्ट्रूमेंट तीनों सेम हैं, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है लिख लीजिए, यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मापी क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। इनडायरेक्ट क्या होता है? जिस पर स्केल ना बना हो, यानी वो डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले पाएगा, तो उसको इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल बोलते हैं। और फ्रेंड्स लिख लीजिए, इसके द्वारा किसी सुराख या सलाट के अंदर का व्यास मेजर किया जाता है, मतलब मापा जाता है या चेक किया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए, इसका जो मेजरिंग का रेंज होता है, मापने का ओरेंज क्या होता है, लिख लीजिए, इसके द्वारा 3.2 mm से 12.7 mm तक अंदर के व्यास, या अंदर का बता दिया है, 7 mm तक व्यास मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। फिर बात करेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन से? ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप का यूज थोड़ा अलग है और बी टाइप का भी थोड़ा अलग है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ए टाइप ही पूछेगा, बी टाइप भी पूछ सकता है और ए टाइप भी पूछ सकता है। तो आपको एक हेडिंग लिखनी है, यहां पर लिखना है प्रकार, छोटी सी हेडिंग होगी, स्मॉल हेडिंग, इसको बोलते हैं टाइप्स। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। तो टाइप्स क्या है? टाइप्स में दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? ए टाइप, और सेकंड होता है बी टाइप। तो पहला फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए आप, ए टाइप। ठीक है, ए टाइप में लिख लीजिए, ए टाइप होल गेज, तो इसकी भुजाएं क्या होती हैं, या लिख लीजिए यहां पर ए टाइप होल गेज, ये सही रहेगा। ठीक है, इसकी भुजाएं स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है, जो भुजाएं होती हैं, वो स्प्रिंग स्टील की बनी होती हैं। फिर बात करेंगे इसके आगे का भाग
आगे का भाग अर्ध गोलाई में गोलाई में बना होता है। क्या होता है? अर्ध गोलाई, ऐसे होता नहीं, हर रेडियस में जो होता है, एक होता है कंप्लीट गोलाई, एक होता है अर्ध गोलाई। अर्ध गोलाई मतलब आधा, यहां तक इसको बोलते हैं अर्ध गोलाई। तो ऐसे होता है आगे की तरफ से, जैसे कोई ऐसे हो गया तो यहां आगे की तरफ ऐसे कर देंगे, तो उसी प्रकार से, ठीक है, समझ लीजिएगा, मैं चित्र में शो करा दूंगा। तो इसके आगे का भाग क्या होता है? अर्ध गोलाई में बना होता है। फिर लिख लीजिए, इसके द्वारा लिए गए माप को आउटसाइड माइक्रोमीटर तथा अथवा वा लिख लीजिए, वा वर्नियर कैलीपर से जांचा जाता है या चेक किया जाता है, या लिख सकते हैं आप जांचा जाता है। जांचना मतलब होता है चेक करना, ठीक है। फिर इसके बाद लिखते हैं हम बी टाइप का, क्या है बी टाइप, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इतना फिर इसके बाद आ जाएगा बी टाइप, तो लिख लिया यहां पर बी टाइप नंबर दो, बी टाइप होल गेज, ठीक है, बी टाइप होल गेज। यहां लिख लीजिए बी टाइप होल गेज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो ये होता है, इसमें एक ट्यूब होती है, क्या होती है, इसमें एक ट्यूब होती है, तो फ्रेंड्स जो ट्यूब होती है वो क्या होती है, उसमें दो सुराख होते हैं। देखिए ट्यूब होती है जिसमें दो सुराख होते हैं, क्या होते हैं, दो सुराख होते हैं। चित्र में यदि आप देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा कि जो ट्यूब होती है उसमें दो सुराख होते हैं, और सुराख क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लिख लीजिए सुराख एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, इनमें हाई कार्बन की स्टील की क्या होती है, एक बॉल फिट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप देखेंगे तो लिख लीजिए किसमें, इसमें जो ट्यूब होगी, ट्यूब के अंदर क्या होता है, होल होते हैं, दो सुराख होते हैं, सुराख एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। विपरीत सुराख कैसे बोलते हैं, सुराख विपरीतता बोला जाता है, एक सुराख ऊपर की तरफ जा रहा है, एक सुराख नीचे की तरफ आ रहा है, इसी प्रकार से विपरीत बोलते हैं ना, मतलब अपोजिट, एक नीचे एक उस तरफ, एक इधर एक उधर, इसको बोलते हैं अपोजिट, ठीक है। तो विपरीत में एक सुराख होता है, उसमें क्या होता है, सुराख में जो ट्यूब में होती है, हाई कार्बन स्टील की एक बॉल फिट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हाई कार्बन स्टील बोलते हैं HCS, हाई कार्बन स्टील, क्या बोलते हैं, हाई कार्बन स्टील। इसमें HCS की एक HCS मतलब होता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, HCS मतलब क्या होता है, हाई कार्बन स्टील, ठीक है, ये HCS का फुल फॉर्म है, याद कर लीजिए। इसमें HCS की एक है, यहां पर HCS की एक बॉल फिट होती है, और नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें क्या होता है, ट्यूब में एक प्लंजर फिट होता है, क्या होता है, ट्यूब के अंदर एक प्लंजर फिट होता है, तो लिख लीजिए इसमें ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब है,
ट्यूब के अंदर एक प्लंजर फिट होता है, एक प्लंजर फिट रहता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको रफ कर दे रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब प्लंजर को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, वो आगे बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, जब ट्यूब के अंदर जो प्लंजर फिट होता है, जब उसको हम आगे बढ़ाएंगे या क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, वो आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, देख लीजिए, इसमें जब प्लंजर को, इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें आप इस तरह लिख सकते हो, डायरेक्ट एक लाइन लिख सकते हैं, इसे यहां पर लिख लीजिए, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। इसे क्लॉकवाइज घुमाने पर प्लंजर आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, जैसे ज्यादा व्यास में हमें क्या होता है, यहां से यहां तक हमें दूरी लेना, तो जितना घुमाएंगे तो आगे दूरी बढ़ता रहेगा, यहां से इधर की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार वो क्या होगा, वो जो ट्यूब होती है हमारी, उस जो प्लंजर लगा होता है, प्लंजर बढ़ता रहता है। और फिर लिख लें, इसे एंटी क्लॉक घुमाने पर, लिख लीजिए, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर, क्लॉकवाइज घुमाने पर प्लंजर पीछे की तरफ घटता है, पीछे की तरफ घटता है। उसमें क्या था, उसमें प्लंजर इंक्रीज हो रहा था, और जब एंटी क्लॉक घुमाते क्या होता है, प्लंजर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अंतर आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। फिर फ्रेंड्स इसमें जो मेन चीज है, इसमें लिख लीजिए, नीचे दिखाई देगा, आप देख लिख लें, इसे एक सेट में क्या होता है फ्रेंड्स, एक सेट में क्या होते हैं, सात होते हैं, सात जो होते हैं साइज होते हैं इसके, तो साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लीजिए। देखिए, इसे एक सेट में सात साइजों में प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, और साइज इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगला जो मैं साइज बताऊंगा उसको जरूर नोट करें और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए साइज के बारे में लिख लीजिए। तो साइज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइज फर्स्ट हो जाएगा, लिख लें, फर्स्ट हो जाएगा 3.2 mm से 3.8 mm, यहां पर इंपॉर्टेंट है, 3.2 mm से 3.8 mm। ठीक है, फिर उसका आ जाएगा सेकंड क्या हो जाएगा, 3.8 mm से 4.5 mm, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए 4.5 mm। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलना। फिर उसके बाद बात करेंगे थर्ड, 4.5 mm से 5.1 mm, जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को नोट करते चलना है, छोड़ना नहीं है। फिर फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर हो जाएगा 5.1 mm से 6.4 mm, क्या हो जाएगा 6.4 mm। फिर पांचवा हो जाएगा पांच नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो पांच नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6.4 mm से 8 mm, क्या हो जाएगा 6.4 mm से 8 mm, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे रिवाइज करेंगे तभी याद हो पाएगा, एक दिन से याद नहीं हो पाएगा, जब कई बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज याद हो ही जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 8 mm से 9.6
सिक्स एमएम लिख लीजिए, छः नंबर 8 mm से 9.6 mm, अब उसके बाद जो आ जाएगा 9.6 mm से 12.7 mm वो इम्पॉर्टेंट है, सात नंबर 9.6 mm से 12.7 mm, अब इतने साइजों में मिलते हैं फ्रेंड्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है वीडियो में, लेकिन ये यकीन मानिए ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ दें जिससे कि आपको प्रधानमंत्री परीक्षा में दिक्कत का सामना करना पड़े। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन क्लियर तभी हो पाएंगे जब सभी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टेलीस्कोपिक गेज की, क्या होता है। अभी आपने देखा 3.2 mm से लेके हम 12.7 mm तक क्या करते हैं, इंटरनल जो डायमीटर है वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर 12.7 से ज़्यादा, हमें 12.7 से अधिक के लिए क्या करेंगे, अधिक के लिए इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो इसके लिए हम टेलीस्कोपिक गेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, टेलीस्कोपिक गेज। तो यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, होल गेज के स्थान पर अभी आप लिख दे रहा हूं टेलीस्कोपिक गेज, तो आप नोट्स बनाते चले, लिख लीजिए टेलीस्कोप गेज, ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए टेलीस्कोप गेज। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार होल गेज क्या था, एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल था, मतलब अप्रत्यक्ष मापी औजार था, तो ये भी एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, तो लिख ले ये भी एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। फिर इसके बाद बात करें तो ये क्या होता है, टेलीस्कोपिक गेज में हम फ्रेंड्स आपने देखा होगा टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग कहां करते हैं, हम किसी स्लॉट या सुराख, लिख लीजिए इसका प्रयोग किसी स्लॉट या सुराख के अंदर की माप लेने के लिए किया जाता है, कि अंदर की माप लेने में किया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अंदर की माप लेने में हम टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स टेलीस्कोपिक गेज जो है, देख लीजिए इसका साइज 12.7 mm से 152.4 mm तक होता है, ठीक है। तो साइज क्या होता है, 12.7 mm से 152.4 mm, ठीक है, या बोल सकते हो 152.4 mm या 12.7 mm से 152.4 mm। तो फ्रेंड्स टेलीस्कोपिक गेज जो होता है ये 5 रेंज में प्राप्त होता है, फ्रेंड्स ये 5 साइजों में होता है, मतलब एक सेट में 5 प्रकार से इसकी साइज को डिवाइड कर दिया गया है, 12.7 mm से लेकर 152.4 mm को 5 भाग में डिवाइड किया गया है, मतलब 5 साइजों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि टेलीस्कोप गेज का आकार क्या होता है, तो लिख लीजिए ये टी आकार के, ये लिख लीजिए अंग्रेजी अक्षर के टी आकार का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ये क्या होता है, अंग्रेजी अक्षर के टी आकार का होता है। फिर बात करेंगे इसका जो होता है रीडिंग, वो कहां करते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर पर ट्रांसफर करते हैं, लिख लीजिए
रीडिंग को इनसाइड, नो 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 आउटसाइड, आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर या नहीं, हाँ वह लिख लीजिए, वह वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर पर ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को बराबर वॉच करते हो और आप लोगों ने कमेंट करके बताया भी सर वीडियो जल्दी चलाइए, CITS का एग्जाम होने वाला है। कुछ बच्चे बोल रहे थे स्टूडेंट्स कि सर ITI का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग के लिए मैं वीडियो लाऊंगा, रेगुलर लाऊंगा, भले ही कितनी भी गर्मी पड़े, पसीना निकले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वीडियो वॉच करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट तैयार करके नए नए वीडियो लाता रहूंगा, पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, अब आज से बड़े वीडियो आती रहेगी आपकी, टेंशन मत लीजिएगा, और साथ साथ MCQ भी क्लियर कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, वो सारे काम होंगे, सारे वीडियो आएंगे, और शेखर सर इसमें पढ़ा रहे हैं स्पेशल बोरिंग टेक्नीशियन मैथ का, जिसने उनकी क्लास अटेंड नहीं किया है जाके अटेंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है, हमने बताया था 12.7 एमएम से 152.4 एमएम तक मेजर किया जाता है, तो लिख लीजिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्या लिख लीजिए 12.7 एमएम से कितना हो जाएगा 19 एमएम तक, कितना 19 एमएम, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 19 एमएम से 31.1 एमएम, लिख लीजिए 19 एमएम से 31.1 एमएम, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर 31 एमएम से 53.9 एमएम कितना हो जाएगा, 31.1 एमएम से क्या जाएगा 53.9 एमएम, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। फिर चार नंबर आ जाएगा आपका 53.9 से क्या हो जाएगा 88.9, कितना हो जाएगा 88.9 एमएम। फिर पांच नंबर आ जाएगा 88, कितना जाएगा फ्रेंड्स 88.9, जहां से आप यहां एंड करते हैं वहीं से इसको शुरू करते हैं, यहां से एंड करते हैं यहां शुरू करते हैं। ठीक है, तो 88.9 से 152.4 एमएम। ठीक है, ये जो साइज है ना फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया और हम लोग गलती करते हैं क्योंकि हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। हम ध्यान किस पे देते हैं, सिर्फ एक रेंज हमें मिल गया है, ये 12.7 से 152.4, इस पे ध्यान देते हैं कि इसका साइज क्या होता है, 112.7 एमएम से 152.4 एमएम होता है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान देते हो, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते, जब तक आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, कंप्लीट नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक परीक्षा में दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, और क्वेश्चन कभी ना कभी एक दो क्वेश्चन गलत करके आते हो, जो एक दो नंबर से आपका एग्जाम में क्या होता है, नाम नहीं आ पाता, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स आपका नाम आएगा, सब कुछ होगा, जब मेहनत आप कर रहे हो तो नौकरी कोई और ले, ये बिल्कुल नागवार गुजरेगा आपसे, क्योंकि तैयारी जब आप करो और नौकरी कोई और ले, ऐसा नहीं हो सकता, तैयारी आप करो तो नौकरी भी आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए, और हाँ ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।